हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक हो। टुडे आई एम मेकिंग डिफरेंट वीडियो। आई नो मेरे चैनल्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थोड़ी ऑफ है, लेकिन ड्यू टू क्वारंटीन आई हैव नथिंग टू डू, सो आई एम मेकिंग दिस रिव्यू। एज सब इस वक्त लॉकडाउन में है और लोग जो हैं इस वक्त बार्बर्स के पास भी नहीं जा सकते, वायरस का जो डर है, तो मैं अपने घर ही मैंने मंगवा लिया ट्रिमर। मैं कहा इस पर रिव्यू करता हूँ। तो बेसिकली मैंने डिंगलिंग का मंगवाया है। इसका जो मॉडल है वो है 607C। मैं 609 ढूंढ रहा था, मिला नहीं, लेकिन इट्स ऑल्सो द सेम साइज़। मैंने चौड़ा वाला लिया। इधर शहदाद असलम के बॉक्स देख सकते हैं, डिंगलिंग प्रोफेशनल हेयर क्लिपर लिखा हुआ है। ओरिजिनल है, प्रोफेशनल कॉर्डलेस है, ये सबसे इसकी अच्छी चीज़ है। एडजस्टेबल है, रेजर्स हैं, वो है कॉर्डलेस हो गया, इलेक्ट्रिकल है, क्लिप इसके साथ साथ आते हैं। इधर शार्प ब्लेड लिखा हुआ है डिंगलिंग का। नीचे ये जो है एक बार कोड से इन्होंने दिया हुआ है, अपना लोगो लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो प्रोडक्ट की आप इधर देख सकते हो। इधर इधर भी डिंग लिंग है, उसकी कटिंग परफॉर्मेंस के बारे में लिखा, पॉज करके रीड कर सकते हो। हेड रिमूवेबल है। बैक साइड एक चाइनीज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना है ये, मैंने इधर से परचेज़ किया, मैंने इम्पोर्ट नहीं किया। वो एक्सेसरीज आ गई, आप एक्सेसरीज देख सकते हो। इसके साथ उनका चार्जिंग बेस आती है, चार्जर है ये लिखा हुआ है, क्लिप ऑन कॉम अटैचमेंट्स हैं ये मेरे, आई बिलीव 5 हैं इसमें, 4 या 5। क्लीनिंग ब्रश है, लुब्रिकेंट ऑयल है इसमें, ये उसका लोगो स्लोगन लिखा हुआ है। और ये साइड इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि कटिंग एज स्पीड और वगैरह, आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। एंड टुडे मैं कोशिश करूँ ज़्यादातर उर्दू में रखूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा पाकिस्तानी और जो इंडियंस जो वीडियो देख सकें उन्हें समझ लग जाए। तो जो अंदर से मिलती है चीज़, ये बुकलेट है, मैंने इसे रीड किया था, ट्रस्ट मी इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। इसे हम स्किप कर दें तो इसके साथ आता है इस बॉक्स के अंदर इसका चार्जर है, डिंगलिंग का ओरिजिनल। ये हो गया चार्जर, इसे इधर रखते हैं, अपने कैमरे को यूज़ करते हैं स्पेस को। इसके साथ वो उसका बेस थी चार्जिंग की, ये चार्जर है, ये इधर लगता है इसके साथ इधर सी, और ये चार्ज होता है। मैंने इसे चार्ज कर लिया, 6 आवर्स का मुझे कहा था उन्होंने, 6 आवर्स मैंने इसे चार्ज कर लिया ऑलरेडी। मैंने बॉक्स खोल के फोर चेक कर लिया था पहले। साथ ही डिफरेंट कॉम्स आई हैं इसके, 5 है। सबसे पहले ये साइज़ है, ये 2 mm है, मैं वापस उधर फेंकूँ। 2 mm के अलावा इसमें है 8 mm भी, इसमें है 2 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm। आई बिलीव ये mm में, ये इसके साथ हेड आए हैं, ये है इसका ये ऑयल इसके साथ आया। आई डोंट नो अगर आप ऑयल भेज रही इतनी बड़ी है, आपने बोतल बनाई है और लूज़ था ये, शुक्र है लीक नहीं हुआ, आपने बोतल बनाई है, एटलीस्ट ऑयल तो पूरा करो या बोतल छोटी करो। स्टिल कोई नहीं, ये डिंगलिंग का है ओरिजिनल ट्रिमर। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये बॉक्स है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैंने चेक कर लिया था, सॉरी। ये ब्रश है इसे क्लीन करने के लिए, आफ्टर यूजिंग दैट आप इसे क्लीन कर सकते हो, ऑयल इसे करना होता है। तो ये मशीन है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों खरीदी है, मार्केट में पैनासोनिक को बड़े ब्रांडेड्स भी हैं और सस्ती भी हैं, इससे भी महंगी भी पड़ी हुई हैं, तो रीज़न ये है यार, मैं नॉर्मली जिस बार्बर के पास भी गया ना, जिस मर्जी नाई के पास गया हूँ, हेयर कटर के पास, मोस्टली उन्हें डिंगलिंग की रखी हुई है। तो मेरे एग्जम्पशन ये है कि ये अफोर्डेबल भी होगी इसलिए उन्हें रखी है, ड्यूरेबल भी होगी कि उन्हें करना होता है, हमने तो एक दफ़ा करके छोड़ देना, उन्हें रेगुलर डेली करना है, इसका मतलब है ड्यूरेबल भी है। और ऑफ कोर्स उसकी और भी काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, प्राइस वाइज भी अच्छी होगी। डेट्स पर मेरा दोस्त भी यूज़ कर रहा है, उसने मुझे जिसने सजेस्ट किया उसे 2 साल हो गए अभी तक यूज़ कर रहा है उसे, तो सही है। तो ये आप देख लो, इसका गोल्ड सा कलर है और इसमें मैं नज़र आ रहा हूँ, हाय, हालांकि मुझे नहीं आना चाहिए। चले, ये इसके साथ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी पावर लिखी है, मेड इन चाइना है, ये दो इन्होंने लोगों से लगाए हैं, लेट मी जूम या हो गया, ये मिस्टर शहजाद जिनकी फ़ोटो हमने बाहर देखते हैं, डिंगलिंग वाले अंकल जिनकी फ़ोटो आपने देखी थी, ये ब्लेड के ऊपर लिखा हुआ है, ये इन्होंने रखा हुआ है, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसका मॉडल है 605, ये ब्लेड है, इसे हम रिमूव करते हैं, मैं सीधे लगा देता हूँ बिकॉज मैं अपने डैडी से सही रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर स्पीड है, इस वक्त 0 पे है, आप इसे आगे करो, ये 1 पे हो गई, और इसे एक बार आप 2 पे भी कर सकते हो, ये दो स्पीड्स हैं इसकी। आई बिलीव आपको साउंड आ रहा होगा, साउंड है लेकिन ठीक है, थोड़ी सी वाइब्रेशन भी है।
और ये इसका एडजस्टेबल है। मैं इसे जब इधर से मूव करूँगा ना, आप देखना, ये मैंने इधर मूव की है ना, तो ये क्लिप आ गया। मैं वापस करता हूँ, आपको नज़र आएगा, ये मैं वापस कर रहा हूँ, ये हो गया। तो आई बिलीव इससे कुछ होगा लेंथ का इशू, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लो कटेगा, तो हम इसे रखेंगे यूँ। मैं इसे अब यूज़ करने लगा हूँ। एक्चुअली मैंने अपना हेड भी शेव करना है और फेस भी, तो इसे ट्राई करके देख लेते हैं कैसा है। अच्छा वन थिंग, मैंने इसकी प्राइस पहले बता दूँगी। मैंने लाहौर में रहता हूँ, तो मैंने लाहौर से मंगवाया ये Fashion 21, आई बिलीव उनका Fashion Club 21 जो भी है। मैं उनका लिंक अपने फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, आपको जहाँ से मिले ले लो, लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से हर जगह से मिल नहीं रहे, अदरवाइज मैं भी शालमी से लेता। लेकिन तो यार फेक चीज़ों का था, मुझे तसल्ली है कि चीज़ ओरिजिनल है। मैंने उनसे पहले भी चीज़ें ली हैं, वो अच्छे हैं। अगर आप लोग जिधर से मिले आप लोग ले लो, अगर आप यूज़ करते हो, आई बिलीव आप ये घर में यार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बार बार भी आके काफ़ी करीब होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके पास ना जाओ, आप जाओ, क्योंकि यार उनका भी रिजल्ट लगा हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। मेरा हाथ भरा है तो मेरे लिए बेस्ट है। चौड़ा भी मैंने इसलिए लिया कि मैंने सर भी शेव करना होता है और फेस भी। तो अब इसे यूज़ करके मैं फिर आपको बताता हूँ अपना रिव्यू। सो गाइज आई एम सेटिस्फाई विद दैट। आप आफ्टर देख सकते हो काफ़ी क्लीन हुआ है, दैट्स वाई आई चूज़ दैट। वाइडर वाला मैंने इसलिए लिया था ताकि ना इजीली मैंने, अब इसे आप देख सकते हो सारा क्लीन है, थैंक्स टू डिंगलिंग। और अगर इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैं लिंक डाल दूंगा फेसबुक पे, अगर आप लेना चाहते हो। नियर टू आई 3000 मुझे पड़ा है, विद नियर टू 3000 है। हाँ थोड़ा सा अप डाउन होगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पड़ रहा है, आपको जितने से अच्छा लगे ले लेना। थोड़ी डिफरेंट वीडियो है, होप यू गाइज लाइक इट। बाय।